असलकम कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज भी बड़ा ही ज़बरदस्त सा एक टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो आप लोगों को कंटेंट देख के पता तो चल जाएगा कि किस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ तो जी आप लोग लाजमी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और जो लोग चैनल पर न्यू आते हैं और उनको कैट्स देखने का बहुत शौक होता है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा तो चलिए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं ये देखें जी ये बेड शीट के नीचे कौन है उठाएँ तो उठाएँ तो चा चो सोनिया चो सोनिया चा करो वही अल्लाह जी पता क्या किया इसने ये ऐसे यूं इसके साथ खेल रही थी चादर के साथ और खेलते खेलते अंदर को घुस गई है ना सोनिया ओहो हो कहाँ गई कहाँ गई सोनी तो तो फिर से खेलो ये देखिए जी माइलो जगह ढूंढ रही माइलो यहाँ पे बच्चे छुपाओगी अपने लाके, है ना हम्म वो देखिए जरा अब लड़ाई ना करते सोनिया सोनिया ये फिर दोबारा से वैसे घुस गयी इसको ना पता चल गया अब इसने ऐसी जी करनी घुस गई मोमेंट्स लेटर ये देखें जी कैसे मजे से तीनों बेड के ऊपर आके घूम फिर रहे हैं और नीचे भी नहीं गिर रहे मजे से खेल रहे हैं और माशाल्लाह से अब ये चलना फिरना भी स्टार्ट हो चुके हैं थोड़ा थोड़ा से गिर जाते हैं मगर फिर भी चल रहे हैं और कैसे मज़े से खेल रहे हैं अभी ये जो है ना ये लाइट से कलर की जो किटन है ये अभी यहाँ कंबल के ऊपर ना यूं यूं अपने हाथों को दबा दबा के मसाज कर रही थी जैसे मैंने कैमरा ऑन किया फ़ौरन से हट गई हाँ जी कहाँ जा रही हो अभी इन्होंने अपनी मम्मा का दूध पिला वो देखें जी कहाँ जा रही है इधर आओ इधर आओ उधर नीचे से गिर जाओगी बेड खत्म हो जाएगा हाँ जी ऐसे कितने प्यारे लग रहे हैं हाँ जी और बड़े ही खुश हैं माशाल्लाह से हर रोज रात के टाइम पे ना थोड़ा सा हम इनको घुमा फिरा लेते हैं इधर बेड के ऊपर खुद भी बैठे हुए होते हैं ना इधर नरम नरम कंबल और रज़ाई के अंदर इनको भी आराम से घुमाते हैं वो देखो जी कहाँ पे सैरें हो रही हैं उधर ओ शकोक ये देख ले ये किधर घुसा हुआ है ओए ओए बच्चे पता नहीं उधर क्या अंदर कोने में घुस के सूंघते रहते हैं सूंघते रहते हैं वो देख के नहीं क्या सीन है गिर गया मोटू सा बच्चा हम्म ये देखिए ये हो रही है सफाइयां आ वो ايه जैसे काबू किया वई मम्मा ने और लगी हुई है सफाई करने है ना अच्छा है ना हमारा बेड गंदा नहीं होना चाहिए हाँ जी तुम कहाँ तक तकिए पे घूम रही पौले पौले हो, हो इधर आओ हम्म माशाल्लाह से कितने पाले पाले हो गए पाले पाले हो गए इधर इधर भूपा करो ओशा पता नहीं इनकी आइज़ का जो कलर है ना वो कौन सा कलर है मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा शायद कभी ग्रे लगता है और कभी लाइट लाइट सा ना ब्लू कलर भी लग रहा है कभी लग रहा है ग्रे सा ऐसी ही ग्रीन सा ये देखिए ये, ये देखें दब।, दब ये कर है? ये ये देखिए अब दबा भी रही है पता नहीं ऐसे ही बस बैठा हुआ ही है ये देख के ऐसे अंदर को घुस के बैठा है <laughs> बच्चा ये देखें जी इन दोनों बच्चों की फाइटिंग चेक करें आपस में कैसे मजे से लगे हुए गुत्था और फाइटिंग कर रहे हैं हम्म हाँ हा, खेलो खेलो इतने मजे से माशाल्लाह खेल रहे हैं खेलो ओई, 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 ओई। वो जी, जी वो ये बड़ी अम्मा बीच में आ जाती नहीं नहीं उनको खेलने दो वो देखो वो देखो देख, जी माशा अच्छा <laughs> पूरी जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है एक साथ दोनों एक ही जैसे कलर के हाँ जी हाँ जी खेलो 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 आए, खेलो ना वो देखा वो खेल खेलो पकड़ो 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 एक दूसरे को भागो नहीं छोड़ के चले गए ना अब नहीं खेल लो छोड़ चले उई, आगे, आगे, आगे।, आगे।, आगे 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 पकड़ लो उसको पीछे से टांग से पकड़ लो <laughs> हाँ। वो पता वो भागी जा रहे एक और एक तो उल्टा होकर लेता है कितना तब से उल्टे होकर लेट जाते और फिर खेलिया खेलिया आज मैं बात करने वाली हूँ कैट्स के हेयर के हवाले से कि कैट्स के जो हेयर हैं वो इंसानों के लिए डेंजरस होते हैं या नहीं होते हैं तो जी इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी तो उसमें पता चल जाएगा कि क्या मतलब होते हैं प्रॉब्लम्स वग़ैरह तो जी सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है ना रिंग वॉर्म डिजीज़ होती है तो ये एक्चुअली ना स्किन में जैसे फंगस की डिजीज़ होती है ना तो इसके अंदर ऐसा होता है एक्चुअली कि जो कैट है उसके अंदर ऐसे कोई डिज़ीज़ हो जैसे रिंग्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं और वहाँ से बाल जो है ना कैट्स के वो उतरना स्टार्ट हो जाते हैं तो अगर ऐसी कैट हो कोई जिसको ऐसी डिज़ीज़ है तो उस कैट को कोशिश करनी चाहिए आप लोग हाथ से प्यार ना करें और उस कैट को थोड़ा सा अलग रखें और ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं होती है इसका इलाज होता है आप वेट जो होते हैं उनसे ट्रीटमेंट करवाएँ तो इन कैट बिल्कुल ठीक हो जाती है तो बस एहतियात इसमें यह होती है कि अगर आपने अपनी कैट को जो भी प्यार करना है या उनको थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह करवाना है तो उसमें ग्लव्स वगैरह पहन के कैट के पास जाना चाहिए और उसको हाथ वगैरह लगाना चाहिए क्योंकि फिर वरना ना ये ट्रांसफ़र हो जाती है इंसानों के अंदर ना ये डिज़ीज़ और ये एक्चुअली स्किन डिज़ीज़ होती है और इंसानों में भी जो है ना उनको ये हो सकती है जिनकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो तो कोशिश करनी चाहिए जिनकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है कि उनको और भी नॉर्मल हर एक चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो फिर उनको कैट्स के हेयर से भी उनकी स्किन जो है वो रेड रेड होने लग जाती है और उस पर एलर्जी होना स्टार्ट होती है तो ये कोई ऐसे डेंजरस बीमारी नहीं होती है लेकिन कोई कोई मतलब होते हैं ना लोग जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है तो बस जिनकी स्किन सेंसिटिव हो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़रा सा इस तरह की जो कैट है ना जिसको ऐसी रिंग वॉर्म वाली डिजीज़ है तो वो उससे थोड़ा सा परहेज़ करें पीछे पीछे रहें और बाकी के लोग उनको आप ये केयर कर सकते हैं बाकी जो इंसानों में आती है स्किन की डिज़ीज़ उसका भी इलाज होता है वो भी ट्रीटमेंट हो जाती हैं और कैट्स में भी ट्रीटमेंट हो जाता है सेकेंड नंबर पर जो एक प्रॉब्लम आती है कैट्स के हेयर से वो ये होती है कि कुछ लोग जो हैं उनको एस्तम का प्रॉब्लम होता है ना शुरू से जैसे कैट्स नहीं भी होती उनके पास लेकिन उनको पहले से ही इस्तेमा का प्रॉब्लम होता है सांस लेने में मसला होता है तो फिर ऐसे लोगों को अगर वो अपने घर पे कैट्स रखें तो फिर उन लोगों को भी कैट्स के हेयर से थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे जिनको डस्ट से एलर्जी होती है ना नाक वगैरह में एलर्जी होती है जिनको तो उन लोगों को भी फिर कैट्स के हेयर से प्रॉब्लम हो जाता है लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको कोई किसी किस्म की एलर्जी नहीं है ना ही कोई अस्थमा का प्रॉब्लम है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता कैट्स के हेयर से वो आराम से अपने पास कैट्स रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता बस आपने अपनी कैट्स की ना हर रोज़ ग्रूमिंग करते रहना ताकि आपकी कैट्स के जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि हेयर फॉल जितना ज़्यादा होगा उतना आपके घर में कैट्स के हेयर वगैरह ज़्यादा होंगे तो फिर प्रॉब्लम होता है कोशिश करें बस अपनी कैट्स की ग्रूमिंग वगैरह करते रहें ताकि घर में हेयर्स का प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो थर्ड नंबर पर जो एक डिजीज आती है कैट्स में वो होती है डेंडर की तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि कैट्स की जो स्किन है उसके अंदर डेड स्किन सेल्स बनने लग जाते हैं और वो जो है कैट जहाँ पे भी चल फिर रही है बैठी भी है तो वो वहाँ पर वो डेड स्किन सेल्स जो हैं वो मतलब ऐसे जे गिरना शुरू हो जाते हैं ना वो जगह जगह पे हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी ना आ, मतलब जो इंसान हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाता है जैसे सांस वगैरह का मसला हो जाता है तो इस चीज़ को डेंडर जो है इसको ख़त्म करने का क्या प्रोसेस होता है कि आप अपनी कैट्स को ना मेडिकेटेड जो शैम्पू आते हैं वो इस्तेमाल करवाएँ उससे अपनी कैट को बाथ दें और अपना जो भी आपके करीब वेट वग़ैरह हैं उनसे आप कंसर्न करें और उनसे पूछें कि आपकी ये जो कैट है अगर अगर कैट के अंदर डेंडर हो गया तो वो किस तरह से ख़त्म करें क्योंकि वेट्स जो हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है सारा ट्रीटमेंट उनके पास चीज़ें वग़ैरह मौजूद होती हैं लेकिन आप अपनी कैट को डेंडर ना हो उससे पहले ही किस तरह से बचाएं तो उसके लिए ऐसा होता है कि अब जैसे गर्मियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर्दियों में तो माशाल्लाह कैट्स ठीक रहती हैं ना तो गर्मियों में एक्चुअली ये होता है कि कैट्स को भी गर्मी लगती है इतने ज़्यादा कैट्स के ऊपर हेयर होते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने हफ़्ते में लाजमी हफ़्ते में एक दफ़ा तो लाजमी अपनी कैट को आपने बाथ देना है और अगर एक हफ़्ते में नहीं दो हफ़्ते बाद जैसे महीने में कम से कम एक महीने में आपने दो दफ़ा अपनी कैट को ज़रूर लाजमी बाथ देना है क्योंकि जितना आप ज़्यादा अपनी कैट को क्लीन रखेंगे और उसको बाथ देंगे उसके हेयर्स वग़ैरह साफ़ सुथरे रहेंगे तो फिर ये जो डेंडर का प्रॉब्लम है ये कैट्स में इनशाला नहीं होता है तो बाकी अगर किसी कैट में डेंडर का प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट आप वेट से करवाएँ मेडिकेटेड शैम्पू वग़ैरह करवाएँ आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कैट्स के हेयर की डिज़ीज़ के हवाले से तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा इन नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी और जो लोग चैनल पर न्यू आते हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ माशा कैसे मज़े से निपटी हुई है